सीमा गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के गांव आई थी। सीमा नानी के घर पहुंचने के बाद अपनी नानी के पैर छूती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। तभी उसकी नानी उससे कहती है, इतनी बड़ी हो गई मेरी सीमा, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ, भूख लगी होगी ना? हाँ नानी, भूख तो लग रही है मुझे आपके हाथ के बने हुए पीले दाल और चावल खाने की। कितना टाइम हो गया है मुझे आपके हाथ का बना हुआ दाल चावल खाए हुए। तू तो नौकरी में व्यस्त थी तो तुझे कहाँ से टाइम मिलेगा अपनी नानी के लिए, और जब इतने टाइम बाद आई है तो ज्यादा टाइम के लिए रुक कर जाएगी तू। हाँ हाँ हा, नानी इस बार पूरे 2 महीने के लिए आई हूँ। सीमा की नानी अंदर जाकर उसके लिए खाना बनाने लगती है। सीमा कमरे में अकेली होती है तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो कभी खिड़की से बाहर झांकती है तो कभी दरवाजे से बाहर झांकती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर रो कौन रहा है। तभी नानी खाना लेकर आ जाती है। वो अपनी नानी से कहती है, नानी कोई औरत रो रही है क्या? मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मुझे यहाँ किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही है। हे भगवान, कहीं ये वही तो नहीं? बोलो ना नानी। अरे कोई नहीं रो रहा, ये तेरे मन का वहम है, और तू ना अब खाना खा ले, ज्यादा यहाँ वहाँ की बातों में ध्यान मत दिया कर, जल्दी से खाना खा और फिर मेरे साथ आ जा मेरे कमरे में, दोनों बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। ऐसे ही अगले दिन सीमा अपनी नानी के साथ गांव के बाजार जा रही होती है। उसी रास्ते में फिर से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। वो अपनी नानी से कहती है, अरे नानी क्या सच में तुम्हें अभी भी किसी औरत के रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही? मुझे किसी औरत की बहुत बुरी तरीके से रोने और चीखने की आवाजें आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ नानी, आखिर ये कौन है? मुझे लगता है कि सीमा को शहर भेज देना चाहिए, यहाँ रहना उसके लिए ठीक नहीं। नानी बोलो ना, आप चुप क्यों हो जाती हो? सीमा तू घर चल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। नानी सीमा को घर ले आती है और सीमा से कहती है, सीमा कल सुबह तू शहर वापस चली जाएगी। अरे अचानक, आखिर क्या बात है नानी, आप मुझे ऐसे जाने को क्यों कह रही हो? मैं बस जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दे, तू कल सुबह यहाँ से चली जाएगी, और ये बात मैं कोई मजाक में नहीं बोल रही, तू कल जाएगी तो मतलब जाएगी। अरे नानी चली जाऊंगी मैं, ठीक है, पर आखिर बात क्या है ये तो बता दो, मम्मी से कोई बात हुई है या फिर मुझसे कोई गलती हुई है जो तुम मुझे अचानक से जाने के लिए बोल रही हो? देख सीमा, रात बहुत हो चुकी है और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, चल अब चल के मेरे साथ सो जा, सुबह की बस पकड़कर तुझे शहर भी तो जाना है। सीमा को अपनी नानी का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत ही अजीब लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी नानी उसे अचानक से गांव छोड़कर जाने के लिए क्यों कह रही है। ये सारी बातें सोचते सोचते सीमा की आंख लग जाती है और वो अपनी नानी के साथ सो जाती है। ऐसी ही आधी रात को सीमा को फिर से किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस औरत की आवाज़ सुनकर बार बार करवटें बदल रही होती है और तभी उसे सपने में भी एक अजीब सी औरत की परछाई दिखाई देती है जो इतना चीख चीख कर रो रही होती है कि सीमा डर कर उठ जाती है। वो पूरे पसीने पसीने हो रही होती है। वो अपने आसपास देखती है तो घर में बिल्कुल शांति का माहौल होता है। सीमा घबरा जाती है, वो अपनी नानी को जगाने की कोशिश करती है मगर उसकी नानी नहीं जगती। सीमा को फिर से उस औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। आखिरकार सीमा अपने आप को रोक नहीं पाती और वो घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। आखिर ये माजरा क्या है, आज तो मैं पता करके रहूंगी। अब आवाज का पीछा करते हुए सीमा आधी रात को। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें।
और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।